गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पेडागोजी से सीखने संबंधी विकृतियां जो है अधिगम असक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसके बारे में देखेंगे। आपके सीटेट के एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चंस रहता ही रहता है। अब चाहे वो सीडीपी में आ जाए या हिंदी पेडागोजी में आ जाए, इंग्लिश पेडागोजी में आ जाए, मैथमेटिक्स पेडागोजी में आ जाए, कहीं पे आ जाए, लेकिन आप एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं अधिगम संबंधित विकृतियां, सीखने संबंधित विकृतियां, या उसको कह लीजिए अधिगम असक्तता या अधिगम अक्षमता। ठीक है, तो मुख्यतः क्या है अधिगम असक्तता या सीखने संबंधित विकृतियां क्या है? कुछ छात्रों में आप क्या देखेंगे, उनमें लिखने में, बोलने में, पढ़ने में या मौखिक रूप से चीजों को समझने में और उसे भाषा के रूप में व्यक्त करने में कठिनाई आती है। कई बार वर्तनी की समस्या आती है, यानी बोलना लिखा हुआ लकड़ी है और आप उसको, लिखा हुआ है लकड़ी और आप उसको क्या बोल देते हैं, लड़की, या लिखा हुआ है लड़की और आप बोल देते हैं लकड़ी। तो इस तरह की जो कमजोरियां होती हैं छात्रों में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम असक्तता या अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, और उसे ही हम लोग कहते हैं सीखने संबंधी संबंधित विकृतियां। तो मुख्यतः यहां पे हम लोग पांच टाइप्स के जो है अधिगम अक्षमता के बारे में देखेंगे। उसमें सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डिसकैल्कुलिया। कुछ बच्चों में आप देखेंगे संख्या को पहचानने में या उसे समझने में, गणित को समझने में, गणित की समस्याओं को सॉल्व करने में, या तार्किक जो सोच है उसमें कमियां या कमजोरियां पाई जाती है। तो वैसे यानी संख्या संबंधित या गणित संबंधित जो भी कमियां होंगी छात्रों में या जो भी कमजोरियां होंगी छात्रों में, उससे हम लोग क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया। ये क्या है, संख्या या गणित संबंधित। अब आपके एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में कोई भी इस तरह का एक सेंटेंस लिख दे गणित से संबंधित और पूछे कि ऐसे डिफेक्ट को या ऐसे कमियां को या ऐसे असक्तता को, ऐसे डिसेबिलिटी को, ऐसे अक्षमता को या ऐसे विकृतियां को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, डिसकैल्कुलिया। देखो आप, डिस जो है डिसेबिलिटी से आ रहा है, डिसेबिलिटी जो है डिसेबिलिटी, जिसको अक्षमता या असक्तता भी कहते हैं, तो डिस इसका हो गया कैलकुलिया, इससे पता लगा कुछ जो आप गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिसकैल्कुलिया। ये क्या है, संख्या और गणित संबंधित जो विकृतियां होंगी, असक्तता जो होगी, उसे हम लोग कहते हैं डिसकैल्कुलिया। दूसरा जो है वो है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया, देखो आप, मान लिया आप जो भी मसल संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ हमारे अंगुलियों में प्रॉब्लम आ गया या हथेली में प्रॉब्लम आ गया, तो उस वजह से हम लोग साफ साफ नहीं लिख पाते हैं, या हमारा तो हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होगा या हम लोग गलत लिखते हैं, ठीक है।
तो वैसी कमजोरी को, वैसे कमियों को हम लोग क्या कहते हैं, या वैसे आवश्यकताओं को क्या कहते हैं हम लोग, डिसग्राफिया। क्या कहते हैं? डिसग्राफिया। फिर देखो यहाँ पे डिस जो है वो क्या, डिसेबिलिटी, ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है, ठीक है। तो डिसग्राफिया जो है वो क्या हो गया, लेखन संबंधी। अब आपके एग्जाम में वाले लेखन संबंधित कमजोरियों के बारे में पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मान लिया लिखता है इनमें से कौन लिखने की कमजोरियों को बताता है क्वेश्चन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया। अच्छा मान लिया कभी कभी डिसग्राफिया नहीं लिख कर मान लिया अग्राफिया लिखे, अग्राफिया। तो देखो आप इन दोनों में अंतर क्या, अ का मतलब नहीं होता है ग्राफिया लेखन, यानी जो बिल्कुल नहीं लिख पाएगा उसको कहेंगे अग्राफिया, ठीक है। तो डिस और अग्राफिया में अंतर क्या होता है, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। ये लिख पाता है लेकिन या तो गलत लिख पाएगा या फिर हैंडराइटिंग खराब होगा उसके, मान लिया मसल्स काम नहीं कर रहे तो लिख नहीं पा रहा, तो ये सब डिसग्राफिया हो गया, ठीक है। तो अग्राफिया भी मिल सकता है लिखा हुआ। उसके बाद जो है ना, बहुत सारे छात्रों में देख पाएंगे आप कि उन्हें पढ़ने में समस्या आती है, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो है ना, सॉ और वाज लिखा हुआ है तो इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं, या लिखा रहेगा बॉल और डॉल, इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब ये अंतर नहीं कर पाते हैं यानी पढ़ नहीं पाते हैं, यानी जो शब्द होगा, जो वर्ड्स होंगे उनके कुछ अक्षरों को वो में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से वो गलत पढ़ते हैं। तो जो पढ़ने संबंधित विकृतियां हैं, ठीक है, जो कमजोरियां हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। ए एलेक्सिया में लिखा हुआ मिलेगा, ए लैक्सिया भी लिखा हुआ मिलेगा, यानी डिस की जगह पे ए आ गया। देखो यहाँ पे डिस, यहाँ पे फिर डिसेबिलिटी, लैक्सिया नहीं पढ़ने संबंधित, ठीक है। ए का मतलब नॉट, लेक्सिया मीन्स पढ़ने संबंधित, यहां पे पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। और डिसलेक्सिया जो है वो कमियां है, कमजोरियां है, यानी ठीक से पढ़ नहीं पाएगा, तो उसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे कई बार मतलब बोलने में, यानी भाषा को बोलने में, ठीक है, बोलने में, जो भाषा संबंधित नहीं, भाषा को बोलने में परेशानियां होती हैं, दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो जब बोलने संबंधित कोई भी कमजोरियां होगी तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया, इसको अप्रैक्सिया भी कह सकते हैं, डिस्प्रैक्सिया बोलने संबंधित। मान लिया कभी कभी डिस्प्रैक्सिया लेखन संबंधित भी हो जाता है। देखो लेखने, लिखने में और बोलने में दोनों में मसल्स का काम है, ठीक है। बोल रहे हैं तब भी हमें मसल्स का काम है, जो बोल क्यों रहे, जो हमारा हिल रहा है मसल्स की वजह से, जब लिखते हैं तो यहां पे भी मसल्स का काम आता है, ठीक है। तो बोलना और लिखना, कभी कभी आप देखोगे कहीं पे लिखा हुआ डिस्प्रेक्सिया का मतलब लेखन संबंधित भी होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे आप समझो डिस्प्रैक्सिया बोलने संबंधी, ठीक है। डिस्प्रैक्सिया मतलब बोलने संबंधी, यानी बोलने में जो कमजोरियां हो जाती है, गलतियां हम लोग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया, यानी बोलने संबंधित जो भी विकृतियां होंगी उसको कहेंगे डिस्प्रैक्सिया। यहां पे भी अ लगा दो तो अप्रैक्सिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डिसफेजिया। क्या है डिसफेजिया? डिसफेजिया का मतलब होता है मौखिक रूप से सीखने और भाषा संबंधित, यानी
जो आप बोल कर सीखते हैं, मौखिक रूप से सीखते हैं, यानी लिख कर नहीं, मौखिक रूप से बोल कर सीखते हैं, ठीक है, या जो भाषा संबंधित है, भाषा को सीखने में जो परेशानी आती है, बहुत लोग में आप देखेंगे भाषा को, भाषा में जो है ना वो कमजोर होते हैं, सीख नहीं पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसी कमजोरियां और कमियां जो है, विकृतियां जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पेक्सिया, क्या कहते हैं, डिस्पेक्सिया। तो आप देखोगे जो सीखने संबंधी विकृतियां है, मेनली क्या है, डिसकैल्कुलिया, ये संख्या और गणित संबंधित विकृतियां है, या असक्तता है, या अक्षमता है, अक्षमता किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं, डिसग्राफिया लेखन संबंधी, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिस्प्रेक्सिया बोलने संबंधी, और डिस्पेक्सिया मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी। तो ये पांच आप मेमोराइज कर लेना, आपके एग्जाम में एक यहां से एक नंबर आप यहां से आपको मिल सकता है। तो याद रखो, डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित, संख्या और गणित से संबंधित। नेक्स्ट क्या है, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया किससे संबंधित है, तो लेखन संबंधित, ग्राफिया का मतलब लेखन संबंधित, ठीक है, डिस का मतलब डिसेबिलिटी, तो लिखने संबंधित जो भी लिखने या लेखन संबंधित होगा उसको डिसग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित कमियां, डिसप्रेक्सिया बोलने संबंधित कमियां, डिसपेक्सिया मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधित कमियां, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना, और नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।